सरबत खालसे विच थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मन दे वल्लों अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के बाहर बैठे सिख नौजवानों के हक विच विरोध किया गया। उही ध्यान सिंह मन धरने विच शामिल भी होए अते उन्होंने यह भी कहा है कि जेकर नौजवान के नाल किसी बुजुर्ग का मोटा मिल जाए तो वह किसी भी सियासत को हिला सकते हैं। देखो गल इस तरह है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कोई भी सिख जिहड़ा जिहड़ा उन्हें मत्था टेकता वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अनोखा जिहा सवाल पैदा होया है भाई सिखा ने कभी किसी का माड़ा नहीं किया तो माड़ा नहीं सोचा। जे किसी दूसरी कौम के उत्ते बिपता पई आ तो सिखा ने अपने सिर भी ला दिते ने। बहादरियां दियां जिहड़ियां किताबां ने वो चुकियां भी खत्म नहीं हुंदियां। वफादारी जे वेखीए तो वफादारी भी देश नाल भी सारिआं नाल असीं बड़ी निभाई आ। इस भारत दे विच किन्ने धर्म ने सारे सत्कारयोग ने सारे आपो अपने हिसाब दे नाल मर्यादा दे हिसाब नाल अगे वध रहे ने। पर सानू शरीरक तौर दे उत्ते तां गोलियां भी मारियां साडे अकाल तख्त भी ढा दिते सारा कुछ कर दिता गया ते असी फिर भी हौसला नहीं छड्डिया फिर भी असी निम्रता नहीं छड्डी। असी साढ़े छे छे महीने दरी दे उत्ते बैठ के भी असी सारी कौम दे सारे लोगों की सुख मंगते हैं। पर की कौन जवाब दूगा सानू कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी क्यों हो रही है की कसूर की आ गुरु ग्रंथ साहब का की ये जी बाणी आ गुरु नानक देव ने यह पक्षवाद कर दी है सारियां नू बराबरता का मान सम्मान नहीं देंदी की ये सरबत का भला नहीं मंगती। गुरु ग्रंथ साहब नू निशाना क्यों बनाया जा रहा दुश्मन साडा अकाल तख्त ढावे असी लड़न की जरूरत रखते उहदे नाल दुश्मन सानू गोलियां मारे तो असी अपने योधियां दे भोग दे उत्ते जकारे रख छड्डन की जरूरत रखते हैं। पर बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा सियाने कहिंदे आ भी जदों तुसीं अपना झग्गा चुकदे हो ना ते तुहाडा ढिड नंगा हुंदा है। मैनू सरबत खालसे ने सिख कौम की सेवा दी है सेवादार लाया है तो मैं समझदा है कि भावें किसी की जथेबंदी छोटी आ भावें वड्डी आ भावें कोई कोई किसी संपर्दा के नाल उन्हां दी आपस में नहीं मर्यादा रलती जां कुछ भी आ कह लो तुसीं देश विदेश में जिथे भी सिख बैठा जे मैं अकाल तख्त साहब का कार्यकारी जथेदार हाँ तो ये सारा मेरा परिवार आ इहनूं पंथ कहिंदे आ इहनूं कौम कहिंदे आ ते उहदी रक्षा करनी उहदी सांभ संभाल करनी उहदी वास्ते आवाज़ उठाउणी मेरा सब तो पहला फर्ज आ। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।